नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे बायबैक ऑफ शेयर क्या है, और इस वीडियो में हम आपको एग्जांपल भी देंगे। अभी जो हमारा बायबैक आया हुआ है जिस कंपनी का, तो इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो में आप बायबैक से रिलेटेड आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो उससे पहले बता दें, आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज हैं, जिसे देख करके आप स्टॉक मार्केट सीख सकते हैं। तो चैनल पर जाइए, इन सारे वीडियोज को देखिए और स्टॉक मार्केट के बेसिक नॉलेज के साथ साथ एडवांस नॉलेज भी आगे आपको मिलेगा। और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूले, क्योंकि आपका हर एक लाइक और हर एक शेयर हमें एक मोटिवेशन देता है आपके लिए अगले वीडियो को बनाने के लिए। बैक ऑफ शेयर, बायबैक ऑफ शेयर का अर्थ होता है कि कंपनी अपने शेयर को शेयर होल्डर से फिर से वापस खरीदती है। तो शेयर होल्डर से शेयर को वापस खरीदती है कंपनी, उसे हम बायबैक ऑफ शेयर कहते हैं। जनरली जो बायबैक होता है वो जो करंट मार्केट प्राइस होता है उससे हायर प्राइस पे होता है। तो जब भी कंपनी शेयर को वापस खरीदती है तो कस्टमर के बेनिफिट को रखते हुए, मतलब जो शेयर होल्डर है, एग्जिटिंग शेयर होल्डर, उसके बेनिफिट्स के लिए शेयर को हायर प्राइस पे खरीदती है। जैसे मार्केट प्राइस हमारा अभी जो चल रहा होगा शेयर का 80 रुपीज, तो इससे आगे के प्राइस पर, मतलब जो भी 81 रुपीज से जितना कंपनी का अपना कैश है, कंपनी जितना का बायबैक लेना चाहती है और जितना शेयर को खरीदना चाहती है उसके अनुसार अपना प्राइस एडजस्ट करती है, मतलब प्राइस तय करती है। तो जैसे 100 रुपीज प्राइस रखा बायबैक का, तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और बायबैक का एक रेशियो होता है, जैसे कंपनी 10% शेयर को बायबैक कर रही है, मतलब अपने पूरे शेयर का 10% शेयर, बहुत ही ह्यूज अमाउंट हो गया। तो उसमें आप जैसे अपना जो भी शेयर है उसमें से कुछ शेयर को आप बायबैक कर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे आपके पास 50 शेयर है तो आप 10 शेयर अप्लाई कर सकते हैं, या 50 का 50 शेयर भी अप्लाई कर सकते हैं, वो आप पे निर्भर है। लेकिन सारे के सारे शेयर जो है आपके तभी बायबैक होंगे जब जो अप्लाई किया गया शेयर का होगा उसका क्वांटिटी, जितना नंबर ऑफ शेयर कंपनी चाहती है बायबैक करना 10%, अगर उससे कम होता है अप्लाई, तब तो आपके सारे के सारे शेयर बायबैक हो जाएंगे। लेकिन नंबर ऑफ क्वांटिटी जो है वो कम अप्लाई होता है तब पूरा का पूरा बाय होगा। लेकिन नंबर ऑफ क्वांटिटी अगर अधिक हो गया, 10% से अधिक अप्लाई आ जाता है शेयर का, मतलब शेयर की संख्या जितना बायबैक करना है, तब उस रेशियो के अनुसार जो हमारा सब्सक्राइब होगा जितना परसेंट बायबैक के लिए, उस रेशियो में आपका शेयर रिसीव किया जाएगा बायबैक के लिए। तो ये था बायबैक। तो चलिए हम पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं बायबैक में क्या होता है। तो देखिए, बायबैक इज ए कॉर्पोरेट एक्शन। बायबैक क्या है हमारा? एक कॉर्पोरेट एक्शन है, मतलब कंपनी के द्वारा लिया गया एक्शन है। इन विच कंपनी बायबैक इट्स शेयर फ्रॉम एग्जिटिंग शेयर होल्डर। जो एग्जिटिंग शेयर होल्डर होते हैं उस समय, मतलब जो हमारा रिकॉर्ड डेट होता है बायबैक का, उस रिकॉर्ड डेट पर जो भी शेयर होल्डर होता है उससे कंपनी शेयर को बाय करती है वापस, प्राइस हायर देन दी मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस से हायर प्राइस पर। व्हेन इट्स बायबैक, द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर इन द मार्केट रिड्यूसेस। जैसे शेयर बायबैक किया जाएगा तो जो नंबर ऑफ शेयर्स है, मतलब जितना मार्केट में शेयर था, वो रिड्यूस कर जाएगा, घट जाएगा। जैसे घटेगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा, मार्केट में शेयर का प्राइस हाई हो जाएगा, मतलब डिमांड बढ़ रहा है, मतलब या डिमांड कांस्टेंट है लेकिन नंबर ऑफ शेयर अब घट चुका, तो जो सेलर है शेयर का, मतलब वो नंबर ऑफ सेलिंग शेयर जो है वो भी घट जाएगा। तो इस तरह से डिमांड कांस्टेंट भी रहता है तो जो प्राइस होगा वो बढ़ जाएगा। तो जनरली देखा जाता है बायबैक के बाद शेयर का प्राइस बढ़ता है। बायबैक अलाउज कंपनीज टू इन्वेस्ट इन देमसेल्फ। बायबैक जो है कंपनी का वो अलाउ करता है, मतलब कंपनी जो है खुद में इन्वेस्ट करने के लिए बायबैक करता है। तो जो बायबैक लाता है तो उस एक तरह से क्या हुआ, कंपनी का खुद में एक इन्वेस्टमेंट हुआ, तो ये होता है बायबैक। और आगे हम देखते हैं, तो बायबैक बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ शेयर इन द मार्केट। बायबैक में क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स रिड्यूस होता है, तो बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ शेयर्स इन द मार्केट बायबैक्स इंक्रीज द प्रपोर्शन ऑफ शेयर्स ए कंपनी ऑन्स। मतलब कंपनी जो खुद, मतलब प्रमोटर्स जो कंपनी का जो शेयर ऑन करता है उसका जो प्रपोर्शन होगा, जो रेशियो होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा बायबैक के बाद, क्योंकि जब बायबैक करेगा तो जो इधर के शेयर होल्डर थे रिटेल इन्वेस्टर सब, उनके पास शेयर घट जाएगा और जो कंपनी के पास खुद जो रेशियो है, मतलब उनका रेशियो खुद का बढ़ जाएगा।
आगे कह रहा है द रीजंस फॉर बायबैक, बायबैक के लिए रीजन क्या है, तो फर्स्ट है कि टू इम्प्रूव अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर को इम्प्रूव करने के लिए बायबैक किया जाता है, मतलब नंबर ऑफ शेयर बहुत ज़्यादा है तो जो कंपनी का अर्निंग होता है वो सारे शेयर पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो अधिक शेयर होने से अर्निंग पर शेयर क्या होता है, कम हो जाता है, तो अर्निंग पर शेयर को इम्प्रूव करने के लिए भी बायबैक लाया जाता है। टू इम्प्रूव रिटर्न्स ऑन कैपिटल, जो कैपिटल है उस पर मतलब रिटर्न को बढ़ाने के लिए, मतलब जो बायबैक करने से क्या हो जाएगा, जो कैपिटल है मतलब शेयर होल्डिंग कैपिटल उस पर जो हमारा है बायबैक लाने के बाद क्या होगा, ज़्यादा रिटर्न उस पर आएगा। रिटर्न ऑन नेटवर्थ, नेटवर्थ पे ज़्यादा का रिटर्न। एंड टू इन्हेंस द लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स वैल्यू, और लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स का जो वैल्यू है उसको क्या करने के लिए, इन्हेंस करने के लिए। आगे है टू इम्प्रूव एन एडिशनल एग्जिट रूट टू शेयर होल्डर्स, ये एक अतिरिक्त जो है शेयर होल्डर को बाहर आने का मौका देता है कंपनी के शेयर होल्डिंग से। व्हेन शेयर्स आर अंडर वैल्यूड और दी थिनली ट्रेडेड, मतलब जब जो हमारा शेयर है कंपनी का वो अंडर वैल्यूड है, मतलब बहुत ही नीचे के प्राइस पे है या बहुत ही कम उसका ट्रेड होता है, तो जो शेयर है वो कंपनी का वो सेल नहीं हो रहा है, तो वैसे में बायबैक लाया जाता है ताकि कंपनी का शेयर जो अंडर वैल्यूड है तो उसे हायर प्राइस पर मतलब जो तो हायर प्राइस पर शेयर होल्डर को एग्जिट होने का मौका देता है बायबैक। आगे है टू इन्हेंस कंसोलिडेशन ऑफ स्टेक इन द कंपनी, तो जो कंसोलिडेशन है कंपनी का उसको इन्हेंस करता है। टू रिटर्न सरप्लस कैश टू शेयर होल्डर, जो सरप्लस कैश होता है कंपनी के पास वो क्या किया जाता है, शेयर होल्डर को रिटर्न कर दिया जाता है कंपनी के पास जो सरप्लस कैश होता है। टू सपोर्ट शेयर प्राइस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्लगिश मार्केट कंडीशन, जब मार्केट का कंडीशन बहुत ही ख़राब है, जो करेक्शन आ रहा है स्टॉक्स में लगातार स्टॉक के प्राइस में, तो उस समय स्टॉक को सपोर्ट करने के लिए भी बायबैक लिया जाता है ताकि जो स्टॉक्स है उसमें ज़्यादा गिरावट ना आए, उसको एक सपोर्ट दे। तो ये सारे रीजंस हैं जिसके कारण बायबैक लिया जाता है, या कहें ये सारे एडवांटेज के रूप में भी आते हैं बायबैक के कारण। आगे होता है, हम इसके कुछ एग्जांपल अभी आपको दे रहे हैं, जो अभी बायबैक हमारा मार्केट में चल रहा है वो है हमारा जस्ट डायल का, तो जस्ट डायल का बायबैक अभी चल रहा है, तो कह रहा है जस्ट डायल का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है कंपनी का, जस्ट डायल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है कंपनी का, उसके मीटिंग में जो 30 अप्रैल का मीटिंग था उसमें अप्रूव्ड किया गया बायबैक को, इतना इक्विटी शेयर का बायबैक, देख सकते हैं कितना इक्विटी शेयर का, इतना इक्विटी शेयर का बायबैक अप्रूव किया गया, या कहें इतना करोड़ का बायबैक अप्रूव किया गया, या कहें एक शेयर का जो प्राइस होगा बायबैक में वो 700 रुपीज़ होगा, तो आप जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपके पास जस्ट डायल का अगर शेयर है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपके एक शेयर को बायबैक किया जाएगा 700 रुपीज़ पर, और जो टोटल नंबर ऑफ शेयर बायबैक किया जाएगा इतना, अगर इससे ज़्यादा हमारा शेयर अप्लाई होता है बायबैक में तो आपका रेशियो, मतलब जो रेशियो होगा उस अनुसार से आपका शेयर लिया जाएगा, टोटल का टोटल शेयर नहीं लिया जाएगा, लेकिन आप अप्लाई कर सकते हैं टोटल का टोटल शेयर, लेकिन अगर इतना ही शेयर आता है या इससे कम आता है बायबैक में अप्लीकेशन तो आपके सारे शेयर बायबैक हो सकते हैं, लेकिन इससे अधिक आता है तो उसी रेशियो में ही बायबैक होगा जिस रेशियो में अप्लीकेशन आएगा शेयर का। उसके बाद कहता है बायबैक रिप्रेजेंटेड इतना परसेंट, मतलब जो जस्ट डायल का बायबैक है वो कितना परसेंट होगा, 4.84% टोटल जो हमारा शेयर है जस्ट डायल का, टोटल शेयर ऑफ जस्ट डायल का 4.84% ही बायबैक किया जा रहा है, मात्र समझिए इतना शेयर ही बायबैक किया जा रहा है, तब ये हमारा हो गया कितना, 31 लाख शेयर, मतलब 31 लाख शेयर जो है ये मात्र 4.84% है टोटल नंबर ऑफ शेयर जो है जस्ट डायल का। तो ये था बायबैक से रिलेटेड आपके सारे सवाल के जवाब मिल गए होंगे, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।